वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद अंसारी आप सभी लोगों का आमिर मामू यानी कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अरे भैया फाइनली लाल सिंह चड्ढा आ गए, रिलीज हो गए, हमने फिल्म देख ली। पर मैं आज का एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो आपको बोल देना चाहता हूँ। आमिर खान द सुपरस्टार, द मैन हु इनॉग्रेटेड द 100 करोड़ क्लब, द 200 करोड़ क्लब, द 300 करोड़ क्लब, जब जब आमिर खान का नाम सामने आता है इट्स जस्ट बिग बॉक्स ऑफिस नंबर्स। आमिर खान की वो फिल्में जो जनता को नहीं पसंद आती वो भी यहाँ पर 50-50 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग लेती है। जैसे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का एग्जाम्पल देता हूँ, लाल सिंह चड्ढा हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। हम सभी लोगों को पता था पोस्ट कोविड उस तरह के नंबर्स जो है फॉर अ हिंदी फिल्म विल बी एब्सोल्युटली टफ, यानी उम्मीद रखना भी यहाँ पर ना इंसाफी होगी। लेकिन गाइज ना इंसाफी टू द ट्यून ऑफ व्हाट? आइडियली 19 से लेकर 20 करोड़ से हमने इस फिल्म को भापना शुरू किया था, फिर आस्ते आस्ते आई 17 पर, फिर 16 पर। आइडियली आज लाल सिंह चड्ढा एटलीस्ट 15 करोड़ का बिजनेस तो भाई कैसे भी करनी चाहिए थी। आमिर खान द सुपरस्टार, रक्षाबंधन की हॉलीडे, अ मूवी 4 इयर्स इन द मेकिंग। लेकिन गाइज सुबह जो नजारा सिनेमा घरों में देखा वहां लिटरली एवरीवन इन द इंडस्ट्री स्किप्ड अ बीट। सबकी हालत टाइट हो गई, सबके होश उड़ गए, क्योंकि सुबह की ऑक्यूपेंसी बहुत खराब थी। आई मीन वेरी ऑनेस्ट टू यू, इट वॉज वेरी बैड। आस्ते आस्ते दिन बढ़ता गया, ऑक्यूपेंसीज आई, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन यूजली 3 या 4 बजे के बाद ही जो शोज रहते हैं वो पिकअप होते हैं, एंड वही हुआ। 3 और 4 बजे के बाद जो ऑक्यूपेंसीज बढ़ी वो हमें एक उम्मीद की किरण देती है कि कल से लाल सिंह चड्ढा जो है यहाँ पर बॉक्स ऑफिस पे स्टेबिलिटी मेंटेन करे। देखिएगा इस आज जो भी कलेक्शन आएगा लाल सिंह चड्ढा का, कल का जो दिन है यानी कि फ्राइडे, वो इससे कम ही आने वाला है। लेकिन इतना कम ना आ जाए कि सारी उम्मीदें फ्राइडे को ही खत्म हो जाए, वरना आप सभी लोगों को पता है हम जरा भी यहाँ पर वक्त नहीं लगाते गेम ओवर लिखने के लिए, क्योंकि पता चल ही जाता है दूसरे दिन की फिल्म का क्या हो रहा है। अब गाइस यहाँ पे लाल सिंह चड्ढा के पास सबसे बड़ा यूएसपी एडवांटेज क्या है? इट्स गॉट अ सैटरडे, थोड़ा संडे, इंडिपेंडेंस डे, पारसी न्यू ईयर, जन्माष्टमी एंड अगले हफ्ते कोई बड़ी फिल्म नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। पब्लिक रिव्यूज की बात करें तो पब्लिक रिव्यूज हैव बीन यूनानिमस, पॉजिटिव रिव्यूज एवरीवेयर। एंड गाइस यही उम्मीद है कि लाल सिंह चड्ढा कल से बॉक्स ऑफिस पे जो पिकअप है वो यहाँ पर ले। चलिए गाइस इसी उम्मीद में आज के एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आप मुझसे पूछूं कि भैया आमिर जी बताइए कि क्या आप खुश हैं लाल सिंह चड्ढा की ओपनिंग से, मैं कहूंगा नहीं, मैं जरा भी खुश नहीं हूं इस ओपनिंग फिगर से। मैं चाहता था कि एटलीस्ट ये फिल्म 15 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करे, लेकिन अब वो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था कोविड कोटा, मैंने नाम दिया था इन फिल्मों को कोविड कोटा फिल्म्स, यानी कि जो जो फिल्में कोविड में महामारी में शूट हुई बस उनको अब कैसे भी निकालो, खत्म करो इनको रिलीज करके। एंड अब जो आप फिल्म शूट करने जा रहे हो ना, ये महामारी के बाद जो अब शूट शुरू करोगे तुम लोग, यानी कि ये मार्च से जो शुरू किए आप लोगों ने, या फिर जो लोग अभी अभी जा रहे हैं फिल्म शूट करने, प्लीज डोंट रिपीट द मिस्टेक्स विच प्रीवियसली पीपल हैव डन। तो लेट्स सी गाइस लाल सिंह चड्ढा दूसरे दिन सर्वाइव करती है नहीं करती। अगर आपने लाल सिंह चड्ढा नहीं देखी है जाके देखिए। द फर्स्ट हाफ इज अ ब्रीज राइड, द जर्नी ऑफ लाल अलोंग थ्रू द आईज ऑफ आमिर खान, उसकी माँ का किरदार किस तरह से इंडिया में जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ओके, राइट फ्रॉम द इमरजेंसी टू द वर्ल्ड कप, एवरीथिंग फर्स्ट हाफ में, स्पेशली कॉमेडी है फिल्म की, आमिर खान रनिंग करता है वो वाला, बाला का जो किरदार है भाई चड्डी बनियान बनाएगा वो वाला, इट्स अ ब्रीज। यस फिल्म थोड़ी लॉन्ग है, थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था, लेकिन द स्टैगरिंग केमिस्ट्री ऑफ करीना कपूर एंड आमिर खान इन सेकेंड हाफ इज द हाईलाइट अलॉन्ग विद प्रीतम्स म्यूजिक। तो जाइए सिनेमा घरों में, खुद जाकर लाल सिंह चड्ढा को जो है एक्सपीरियंस कीजिए। बात करते गए सुबह तो फिल्म ओपन एट 11% ऑक्यूपेंसी, सबको धक्का लग गया कि 11% पे आमिर खान की पिक्चर ओपन हुई है, एक बहुत ही निराशाजनक साइन था। उसके बाद आफ्टरनून से फिल्म ने पेस पकड़ा, 17 से 18% की ऑक्यूपेंसी हुई एंड अभी शाम को 30% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। एंड उम्मीद लगाई जा रही है कि रात के शोज इसके एटलीस्ट 36-37% पे ओपन हुए, यानी कि ये जो फर्स्ट डे था लाल सिंह चड्ढा का वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री कहूंगा। मुंबई में देखे गए 804 शोज है,
804 शोज में अगर आप 10% का भी बिजनेस करते हो, देन वो 10 करोड़ का जो फिगर है पहले दिन का, वो आप क्रॉस कर लोगे। यहाँ पर मुंबई में शाम के शोज 23% के थे एंड ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 18% की थी। दिल्ली एनसीआर की बात करूं 926 शोज है एंड रात के शोज 45% पे है, यानी कि फिल्म देखने पब्लिक आ रही है इसी उम्मीद की किरण में कि कल एटलीस्ट फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। पुणे की बात करूं 331 शोज में रात के शोज 18% में, दिल्ली एनसीआर ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भी काफी अच्छी थी 27% की थी। बेंगलुरु में 343 शोज है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 14, हैदराबाद रात के शोज 30% पे है, 186 शोज है। कोलकाता की बात करूं 270 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी है। अहमदाबाद 381 शोज में रात के शोज 40% पे, विच इज अ गुड साइन। चेन्नई थ्रू आउट द डे 64 शोज थे एंड इसके बाद ऑक्यूपेंसी 38% की थी। सूरत भी रात के शोज 35% पे है एंड गाइस यहाँ पे बात करूं जयपुर की, वो भी 40% पे चल रहे हैं। चंडीगढ़ रात के शोज 51% पे, यानी कि रात को एंड शाम होते होते तो पीपल हैव टर्नड आउट। लेकिन क्या ये एक रिस्पेक्टेबल टोटल अचीव करने में मदद करेगी? नहीं, वी नीड ऑक्यूपेंसीज फॉर द नाइट शो टू बी एटलीस्ट 50। बात करूं तेलुगु शोज की तो मॉर्निंग टुक अ स्टैगरिंग स्टार्ट ऑफ 23%, शाम होते होते लाल सिंह चड्ढा गिरते गिरते 17% पे है। अभी रात को तेलुगु शोज 15% पे है। हैदराबाद में गाइस यहाँ पर 42 शोज है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 14% की है। वरंगल में 4 शोज में 28%, गुंटूर की बात करूं 7 शोज में 22%, वाइजैग में 29 शोज में 31%, बात करूं काकीनाडा 5 शोज में 68%, राजमुंद्री 4 शोज में 45%, एंड गाइस बात करूं तिरुपति लो 4 शोज में 28%, नाग चैतन्य ऑल्सो कुडंट ब्रिंग इन द मैसिव ऑडियंस टू द बॉक्स ऑफिस। तमिल वर्जन की बात करूं इट वॉज अ वेरी फ्लैट वर्जन, यानी कि पूरे दिन की ऑक्यूपेंसी 15% की थी, विद चेन्नई टॉपिंग 78 शोज में 20% ऑक्यूपेंसी। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन नाउ फॉर लाल सिंह चड्ढा ऑन हिज फर्स्ट डे इज 12 से लेकर 13 करोड़। यस फ्रेंड्स, इट ब्रेक्स माय हार्ट, यू नो कोविड से पहले अगर मैं कहता कि लाल सिंह चड्ढा पहले दिन 12 से 13 करोड़ कमाएगी, आधे लोग मेरा स्क्रू ढीला बोल के निकल जाते थे। लेकिन ये रियलिटी है, रियलिटी शुड बी एक्सेप्टेड, चेंज इज कॉन्स्टेंट एंड जनता जनार्दन है। जनता का फैसला फाइनल वर्डिक्ट है, नो इफ्स एंड बट्स, जनता हैज द गट्स। ओके, जो जनता बोलेगी आपको सर आंखों पर रखना पड़ेगा, उनका जो हुक्म है उसको सलाम करना पड़ेगा। ओके गाइस, होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। लाल सिंह चड्ढा इन सिनेमा नहीं देखी है, जाके देखिए आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। श्याम अंसारी साइनिंग ऑफ, यू सी वेरी सून। एंड अरे भैया, रक्षाबंधन का एपिसोड का इंतजार कर रहे हो? अरे भैया, इसका अगला एपिसोड रक्षाबंधन का आने वाला है, बने रहिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।